हेलो भाई और उनकी बहनों, कैसे हो आप लोग? सब सब सेट, सुपर सेट। तो भाई, मैं हूँ मोहम्मद आरिफ, और मैं डाओ यूनिवर्सिटी से BDS कर चुका हूँ। सो आई एम ऑफिशियल डेंटिस्ट नाउ। मैं हूँ आकिब अहमद, मैं डाओ यूनिवर्सिटी से PharmD किया है मैंने, और मैं ऑफिशियली फार्मासिस्ट हूँ। तो भाई, हम लोग चूँकि हैं डाओ यूनिवर्सिटी से, हमने सोचा अभी थोड़ा पढ़ाई से हट के थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो चूंकि हम लोग डाओ यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैंने सोचा कि हम लोग डाओ की ही पहले हम लोग व्लॉग बनाते हैं छोटा सा। तो हम लोग आज आप लोग को एक छोटा सा टूर देंगे डाओ यूनिवर्सिटी का, तो उम्मीद है आप लोग सबको अच्छा लगेगा। सो लेट्स गो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं जरा कैफेटेरिया, कुछ खा पी भी लेंगे, और साथ में आप लोग को जरा, हमारा ये है मेन कैफेटेरिया जिसको सेंट्रल कैफेटेरिया भी बोलते हैं और DIMC कैफेटेरिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये DIMC की बिल्डिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। मजेदार मजेदार। कैफेटेरिया से बाहर निकलेंगे तो ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारी आती है DIMC की बिल्डिंग। यहाँ पे DIMC जो MBBS इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं MBBS के, वो भी आते हैं, और प्लस यहीं पे हमारे आती है DIQOS की बिल्डिंग, जो हमारे BDS के मेरिट के स्टूडेंट्स जो टॉपर्स होते हैं BDS के, वो उनका एडमिशन यहाँ पे होता है। ये है भाइयों DIMC, डाओ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। वो है सामने सुपारको, वो जो लंबा लंबा दिख रहा है ना, वो है सुपारको। और यहीं पे आगे जाके वो आती है डेंटल OPD। आज ये आपको वो भी दिखाते हैं। ये है हमारी दंदान साजों की OPD। ये देखिए लिखा हुआ है डेंटल OPD। ये है लिखा हुआ है डॉक्टर शोतलेबाद खान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंस, यानी DIQOS, जहाँ से मैंने अपना BDS किया है। अच्छा, ये हमारी पूरी अंदर जाके OPDs के रूम आते हैं, कुछ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे हैं, कुछ थर्ड फ्लोर पे आते हैं, और यहाँ पे सामने पूरी पार्किंग है जहाँ पे कुछ काम वगैरह आई थिंक चल रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं डाओ, जो अभी आपको ऊर्जा की बिल्डिंग दिखाई है DIMC की। तो अभी इसकी बैक कैफे के सामने जो थी, तो अभी उसके हम लोग बैक साइड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ये एनिमल हाउस वगैरह आते हैं, तो वहाँ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, तो आपको वो भी पूरी दिखाते हैं जब भी आप डाओ आएँ। मेन कैफेटेरिया समोसा नहीं लें भाई, 20 रुपये का होता है, छोटा छोटा सा होता है, और कभी कभार उसमें आलू का मसाला भी नहीं होता, मज़ा नहीं आता बिल्कुल। ठीक है ना, चल चूटा। तो खैर, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एनिमल हाउस वाली गली। भाई, हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे एनिमल हाउस वगैरह होता है, देखने में बड़ा जबरदस्त किस्म का इन्होंने लुक बनाया हुआ है। तो ये है एनिमल हाउस, और यहाँ डिफरेंट मतलब टाइप के हम एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मंकीज हो गए, हॉर्स हो गए, रैबिट्स हो गए, इस पर रिसर्च होती है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्नैक्स हो गए, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग वेनम का यहाँ पे रिसर्च होती है। तो ये आप लोगों ने देखा, ये एनिमल रिसर्च सेंटर वाली जो गली थी, बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई थी। उसके बाद हम जा रहे हैं लाइब्रेरी वाली साइड पे, जो है सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी उस तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर आपको वहीं पे दिखाते हैं। ये है लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी। चलिए अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी के दो हिस्से हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो होता है रीडिंग हॉल, और जो फर्स्ट फ्लोर पे होता है वो है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी।
ये है लाइब्रेरी, यहाँ से दो सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जो डिजिटल है, और वो हो गई डिजिटल, और ये हो गई हमारी रीडिंग हॉल। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी। ये है डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के जो पास में दो गलियां जो निकलती हैं वो दोनों जाती हैं टूवर्ड्स वॉशरूम। ओ यस, आकिब सब सेट सुपर सेट। यस सो गाइस, ये ब्लॉग को आप लाइक जरूर करना। अच्छा, अभी और कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे जाके। अब हम जा रहे हैं आपको लेके टूवर्ड्स जिमनेजियम, सो लेट्स गो देयर। गाइज ये है हमारा जिमनेजियम, और ये ऊपर है ऑडियंस के बैठने की जगह। हम लोग थोड़ी बहुत बास्केटबॉल आपको खेल के दिखाते हैं, अगर कोई बास्केटबॉल यहाँ पे सही सलामत हुई तो। कैसा दिया आपको? तुक्का है, तुक्का है, तुक्का है। अबे साले भाई, आपको जिमनेजियम का टूर करवाने आए थे तो हमने सोचा थोड़ी बास्केटबॉल वगैरह के शूट वूट भी मार लें। अब आपको अंदर का जिम कोशिश करते हैं, अगर दिखता है तो आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। हम चाह रहे थे कि आपको जिम भी दिखा दें, लेकिन चूंकि वहाँ पे अभी थोड़ी गर्ल्स की शिफ्ट चल रही है तो वो हम लोग अंदर नहीं जा सकते, तो वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन जब कोई वर्कआउट पे बनाएंगे ब्लॉग वगैरह तो उसमें आपको दिखा देंगे। ये हमारा वो टेबल है जहाँ मैं और आरिफ फर्स्ट टाइम टेबल टेनिस खेलने सीखे थे। मतलब आरिफ था ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम में, तुम फर्स्ट टाइम में थे ना? फर्स्ट टाइम था। हाँ, और मैं सेकंड टाइम में था। अपना फार्मेसी वगैरह यहाँ पे खेलते थे, यहाँ पर नहीं, हम लोग यहाँ खेलते थे, इस टेबल पर खेलते थे हम लोग, इस टेबल पर। दो साल खेला ऐसे खेला होगा। और यहाँ से हम निकल गए हैं जिम से बाहर, जिमनेजियम के भाग आप देख सकते हैं व्यू। अब हम जा रहे हैं ओझा चर्चिस की तरफ। ये हमारी डाउ यूनिवर्सिटी की मस्जिद है ओझा कैंपस की। जुम्मे की नमाज़ हम लोग का अगर कभी यूनिवर्सिटी वगैरह में हो तो इधर ही आके पढ़ते हैं। यहाँ पे इस गेट के उस पार जो है वो सोसाइटी स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, और उसी के आगे जो एक गली निकलती है वो डायरेक्ट मौसमियात वाले एरियाज में खुलती है। और अभी हम लोग यहाँ से टर्न हो रहे हैं तो आगे जाके वो टीबी वार्ड वगैरह आएगा, चेस्ट डिजीज का सेंटर जो है। यार आके पे एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो सिविक है वो तुम लाते क्यों नहीं हो? मतलब लाओ तो हम लोग आराम से व्लॉग वगैरह बना लेंगे। कौन सी सिविक आ गई तुम्हारे पास? जो सिविक है मेरी एक्चुअली, जो वो थी ना फरारी, वो एक्चुअली मेरा कजन लेके गया, वरना मैं आज गया था। अब तो सर बोल दे। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त टीबी वार्ड की तरफ, चेस्ट सेंटर। तो ये देख, ये है ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज, एक पूरी बिल्डिंग उसी की है। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये टीबी वार्ड है, क्योंकि वो थोड़े स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब हम जा रहे हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट की तरफ, डीसीओपी की तरफ। सो लेट्स गो।
तो गाइस यार यहाँ पे एक कैफ़े है, एक मेन कैफ़े था जो स्टार्टिंग में दिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ से भी जब पॉइंट वगैरह यहाँ किस तरह खड़े होते हैं और जब छुट्टी होती है इवनिंग की, ये है पूरा नर्सिंग डिपार्टमेंट। अभी हम जा रहे हैं DCO पे और वहाँ का वैसे चाट बड़ा मशहूर है, वहाँ की जो कैफेटेरिया है। तो ट्रीट दे रहा है? हाँ नहीं ट्रीट तो नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि वहाँ का चाट मशहूर है वो फिर किसी दिन खाएंगे। तो भाई हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, जहाँ से हमने पढ़ा है, हमने फार्मी करी है, वहाँ मिलते हैं। सो ये है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, सामने आप कैफ़े देख रहे हैं, थर्ड कैफ़े है हमारी यूनिवर्सिटी का। एंड दिस इज़ अ बिल्डिंग ए, ये बिल्डिंग बी है, ये सामने बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये वाली ये बिल्डिंग बी हो गई और ये बिल्डिंग सी बनी है, अभी बनी है। और ये अंकल आ रहे हैं हम लोगों को रोकने के लिए। चला जा, बीफ बर्गर है, चिकन गोश्त है, होए क्लब सैंडविच, आलू पराठा, चिकन पराठा। आकिब क्या खिला रहे हो? आकिब भाई कुछ लेने तो गए, कुछ भी ले लो अच्छा, लेकिन महंगा, कुछ महंगा। आके भाई लेके आ गए हैं, क्या लाए भाई? भाई ये है कुछ महंगी चीज, ये बड़ी महंगी चीज है जो आके भाई के लिहाज से। ये क्या है? कैंडी। कंडी? कंडी नहीं हो भाई, कैंडी। तो अब हम कंडी खाने वाले। आओ, अभी आपको लग रहा होगा कि जितना इन्होंने सस्ते में पटाया है ये मेमन है, लेकिन एक्चुअल में ये मेमन है नहीं, और मेमन तो मैं हूँ। और ये मैंने भाई जान को समोसे और जूस वगैरह पिलाया 100 रुपए का खर्चा किया, और भाई 20 रुपए का बिस्किट लेके आ गए, कंडी बिस्किट। क्या करूं मैं, मर जाऊं? नहीं भी मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ बताऊं ना, तुम पास आउट हो चुके हो? पास आउट दोनों ही हो चुके हैं, खैर मेरे पे कोई ट्रीट नहीं बनती, और उन्होंने एक कंडी खिला दिया है मुझे पता नहीं। तो फार्मेसी से हम होके आ गए, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ओटी कॉम्प्लेक्स वाला एरिया। तो ओटी कॉम्प्लेक्स में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, चूँकि वो वहाँ पे एमरजेंसी वाली बिल्डिंग है, तो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स वगैरह आते हैं उनके सामने हम इस तरह व्लॉगिंग वगैरह करेंगे, तो वो थोड़ा सूटेबल नहीं लगता। दैट्स वाई हम उसको बाहर से एक आपको लुक दिखा देंगे कैसा दिखता है ओटी वगैरह, ठीक है? सो लेट्स गो। गाइज हम लोग ओटी से बाहर आ चुके हैं, और वहाँ पे हमने ज़्यादा बोला नहीं था व्लॉग में, हमने ऐसे बस वीडियो शूट कर ली थी। अब हम यहाँ पे एक नई बिल्डिंग की तरफ आए जो कुछ दिनों पहले ही बनी, आप लोग वो भी देखें। ये है गामा नाइव रेडियो सर्जरी, ये ओटी से ही थोड़ा आगे, कुछ महीनों पहले ही ये बिल्डिंग बनी है। ये है गाइज DIMC की मेन जो एंट्रेंस है, और बिल्कुल इसके सामने ही आपको मिलेगा वो DIMC जो अभी हम लोग वहाँ पे गए थे। और बिल्कुल स्ट्रीट रोड पे यहाँ पे कैफे है जहाँ हम लोग फिर से जा रहे हैं। तो हमारे ये डाओ का पूरा जो टूर था वो यहाँ पे कैफे पे एंड हो जाएगा वापसी जो हम लोग पहुँच रहे हैं, तो आपको मिलते हैं वापसी कैफे पे ही। ये हम लोग आ गए हैं वापसी कैफे की तरफ, जो सेंट्रल कैफे था यहाँ पे शाम के टाइम पे ये जो मंजे हैं यहाँ पे दरिया बिछा देते हैं, तके रख देते हैं बैठक के हिसाब से। So guys, we are back to our central cafeteria. Here we are going to end our vlog. The left and go proud. अब सीधे straight forward. Go track. So हम लोगों ने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हम लोग अपना vlog खत्म करने वाले हैं, और अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। एक मिनट जी, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ आरिफ जी, कि यहाँ पे तुम्हारा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, चार्ज लगा होता है BDS, ठीक है? तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, तुम किस तरह उसको एक्सप्लेन करोगे अपना एक्सपीरियंस 4 ईयर का? और मींस इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह हैं, यहाँ पे पढ़ाई का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, प्लस यहाँ पे जो लैब्स वगैरह OPDs वगैरह भी, वो भी बड़ी अच्छी वेल सेटल है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरीज सा लग रहा है। सही, मतलब ओवरऑल डायनेस्टी अच्छी, प्लस यहाँ पे जो जिमनेजियम है वहाँ पे फिटनेस का, क्या लाइब्रेरी यहाँ की बड़ी अच्छी और जबरदस्त किस्म की बनी हुई है, और काफी बड़ा, और बहुत मतलब एक्सपीरियंस मेरा बहुत जबरदस्त रहा है। तो और कोई सवाल आपको?
नहीं थैंक यू सो मच। सो गाइस हम लोग यहाँ पे व्लॉग एंड करने वाले हैं, तो क्या नाचो मैं? और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा आपको हमारी यूनिवर्सिटी कैसी लगी और कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। सो हमारी चूंकि पहला व्लॉग है तो हमारी काफी सारी मिस्टेक्स भी हुई होंगी, हम थोड़ा स्लो पेस में भी गए होंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आगे वाले व्लॉग्स में थोड़ा बेहतरी लाएं। अपना सपोर्ट जरूर शो करिएगा इसके अंदर और हमें जरूर बताइएगा कि आपको जगह कौन सी अच्छी लगी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। और लाइक्स और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।